अगर आप होते तो उसमें कौन सा टूल यूज करते हैं सीपीयू निकालने के लिए, मतलब ये पेस्ट निकालने के लिए कौन सा टूल यूज करते हैं? सर अभी तक तो हम एंड्रॉइड पे हम इसका यूज करते थे और एक इसका यूज करते थे, इन दो का यूज करते हैं, अभी तक तो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि ब्लैक पेस्ट निकालना है ऑब्वियस है, बट हम दीपक सर ना हम इसका यूज करने वाले हैं ना हम इसका ना हम किसी भी टूल का यूज नहीं करने वाले। अच्छा। हाँ, किसी प्रकार ऐसा ही नहीं है कि हम स्टूडेंट को ऐसी टेक्निक बताते हैं, सेफ मेथड हम आपको इससे भी बताएंगे। मैं आपको लोग इससे निकालते हैं, लोग इससे जैसे दीपक सर ने बोला मैं इससे निकालता हूँ और मैं ये भी यूज़ कर लेता हूँ और एक और क्या था ये यूज़ कर लेता हूँ। मैं आपको इससे पेस्ट निकालना सिखाऊंगा, इससे ट्विजर से। तो एक वो ये समर्पित करता हूँ मैं सर को। अभी आप देखिए, अभी सर के पास में जो आईसी है वो इस तरह की है, एक एसी की फ्रिक्वेंसी होती है, इस तरीके से आपको इसको इस तरह से करना, हल्का 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 12 mm नहीं है बट 10 mm है, 12 mm ये होता है, ये देखो ये होता है बिग एम एम, ये दिखा दो, ये देखो ये बिग एम एम होता है कि हीट और एयर देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ दिखा दो हीट और एयर, ये देखो ये हमारी हीट और एयर है, थोड़ा सा जूम कर दो, ये देखो ये हमारी हीट और एयर है 861, ठीक है। तीनों SMD यूज़ कर सकते हैं आप इनकी, और ये हीट एयर और एयर तीनों में रख सकते हैं। इधर आइए, किसी प्रकार का हीटर यूज़ नहीं किया, CPU हीटर या किसी भी प्रकार का कोई हीटर यूज़ नहीं किया, प्री हीटर जिसको बोलते हैं, किसी प्रकार का हमने ब्लेड यूज़ नहीं किया, किसी प्रकार का हमने स्क्रैपर यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया है एक नॉर्मल ब्रश से थोड़ा सा हार्ड आता है वो ब्रश, और हमने हमारे CPU को ये दिखाइए क्लीन किया है, ये देखिए ऊपर दिखाइए, ये देखिए 30, ये डुअल डेकर का बोर्ड है जो हम अपने स्टूडेंट को देंगे डुअल डेकर के क्लास में। ये कब होने वाली है? अभी फिलहाल अभी की डेट में, अगर क्लास ये कल होने वाली है, कल डिलीवर करेंगे स्टूडेंट के लिए। और इसे थर्मिस्टर अभी तक कोई YouTube में नहीं बताया होगा, क्या नाम है आपका? संतोष। अभी आप क्या करने वाले हैं? तो सीपीयू निकाल रहा हूँ। कौन सा फोन है ये? Y1 है जी। तो अभी आप इसका CPU निकालने वाले हैं। ठीक है दोस्तों, ये छोटा सा एक वीडियो है, इंफॉर्मेटिव वीडियो है, यहाँ पर दिखाओ। और ये वीडियो आप देख सकते हैं, एक हमारा स्टूडेंट है अशोक, उसका आईफोन 7 है, चलते चलते ये बोलता बंद हो जाता है। तो बेसिकली ये इसका CPU का फॉल्ट है, तो हम इसका CPU निकाल रहे हैं। फ़ोन चालू कंडीशन का बट ऑटो रिस्टार्ट हो रहा है, और ये फ़ोन का फॉल्ट CPU का ही फॉल्ट है। तो अभी हमने इसका साइड व्यू कट कर लिया है, तो मैं आपको ये वीडियो देखिए, ये इसका नहीं है कि हम इसको चालू करके दिखाएंगे, ये वीडियो एक पेस्ट का है कि देखिए इसका पेस्ट कैसे निकालता हूँ मैं कुछ सेकंड के अंदर बिना CPU हार्म किए हुए। तो ये वीडियो उसके लिए। तो देखिए फिलहाल मैं आपको दिखा देता हूँ साइड ग्लू कटा है कि नहीं कटा है, यहाँ दिखाइए, ये देखिए ये साइड ग्लू उसका काट लिया है, CPU निकाला नहीं है अभी, सिर्फ साइड ग्लू कटा हुआ है। यहाँ भी देखा थोड़ा सा जूम कर, ये ज़्यादा अच्छा आता है इसका भी, ऐसे ही नीचे से ही दिखाते हैं। तो साइड व्यू कट गया, अब मैं CPU निकालूंगा। हाँ ऐसे नीचे से देखा,
टूल आपको दिखाता हूँ, मैं ये यूज़ कर रहा हूँ। आप इसका पॉइंट देख सकते हैं कितना सार पे दिखा हो उधर, ये देखिए। अब देखिए यहाँ पर जिस तरह से है ना ये, तो उसको हम क्लीन कर लेते हैं, क्योंकि यहाँ देखा और मैं ये भी दिखाना, देखिए अभी हमने ना एक और हमने फ़ोन का पेस्ट आईसी निकाला था, देखिए आप देख सकते हैं कि एक भी पेस्ट नहीं है। तो चलो हमको करना क्या है, हमको हम देखिए हीट और एयर देख लीजिए, यहाँ पर यहाँ दिखा दो हीट और एयर, ये देखो ये हमारी हीट और एयर है, थोड़ा सा जूम कर दो, ये देखो ये हमारी हीट और एयर है 861, ठीक है। तीनों SMD यूज़ कर सकते हैं आप इनकी, और ये हीट और एयर तीनों में रख सकते हैं। आपको इस तरह से ना अंदर डाल के वापस बाहर निकालना है, मतलब इस तरीके से ना जैसे एक AC की फ्रिक्वेंसी होती है, इस तरीके से आपको इसको इस तरह से करना है, हल्का 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 हल्का, और जहाँ आपको लगे अंदर जा रहा है उसको खुद ब खुद जाने देना। देखिए नोजल दिखा दो, नोजल देखो कितने MM का यूज़ कर रहा हूँ, एक बिग नोजल यूज़ कर रहा हूँ, 12 mm नहीं है बट 10 mm है, 12 mm ये होता है, ये देखो ये होता है बिग MM, ये दिखा दो, ये देखो ये बिग MM होता है, ये हमारे स्टीव जॉब सर। नीचे दिखा, नीचे दिखा, थोड़ा ऊपर खड़े होके कर ले, अगर वो ऐसा नहीं आ रहा तो आ रहा है, नहीं वो और हाथ ही लेगा तो यहाँ पे थोड़ा हाथ स्टेबल टेबल और ऊपर आ जाना, थोड़ा ऊपर से देखा, हाँ इस तरह से, हाँ हाथ ना आए तो हाथ के कारण वो उसका जूम इन जूम आउट जा रहा है, वो फोकस जा रहा है उसका, ये देखिए आपसे कहा था ना ये इस तरीके से, ये देखो ये देखिए अपने आप जा रहा है, मैं नहीं कर रहा कुछ, देखिए कितना बढ़िया हमारा CPU निकल चुका है विदाउट एक भी बॉल मिस हुए, ऊपर दिखा दो, और आप पेस्ट देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में, ये देखिए पेस्ट आप देख सकते हैं कितनी क्वांटिटी में, बहुत हैवी ब्लैक पेस्टेड होता है ये, बिल्कुल वन प्लस ओप्पो वीवो वाला टाइप। बट इसमें प्रॉब्लम क्या होती है, मुझे दिखा दो, इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि ये ना ग्लास आईसी है, जैसे हमारे एंड्रॉयड में क्या होता है, आप ये एंड्रॉयड का आईसी देख सकते हैं, ये देखिए ये जो हमारे एंड्रॉयड का आईसी होता है, जैसे ये जो BGA है या ये जो है ये देखिए ये जो आईसी है ना ये ग्लास नहीं होते, तो अभी ग्लास आईसी इस पे आप पेस्ट कितनी भी हद तक का निकाल सकते हो बहुत आसानी से, बट अगर आप ग्लास आईसी के ऊपर का पेस्ट होता है आप उसको स्क्रैच करोगे और आपको सही तरीका नहीं पता, या आप ऑनलाइन ऐसे ही सीख रहे हो जैसे आप वीडियो देख रहे हो, तो आप इसको ख़राब कर देंगे आप, और एक बार एक CPU ख़राब होगा तो फिर क्या होता है, मन खट्टा हो जाता है, एक तरह से ऐसा फील होता है कि डर लग हो जाता है, ये फील्ड में ऐसा ही होता है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, सही जगह ट्रेनिंग लो, प्रैक्टिकल एक असिस्टेंट आपको बहुत ज़रूरत है, आपके टीचर आपके बगल में होंगे तो आपको बताएंगे कि ये नहीं निकलना चाहिए, तो नहीं निकलेगा, देख कर तो आप कुछ नहीं कर सकते। चलो सबसे पहले हम
इसी पेस्ट को निकाल के आपको दिखाते हैं कैसे सेफली निकालता हूँ। देखिए तो ये समर्पित करता हूँ मैं सर को। अभी आप देखिए, अभी सर के पास में जो आईसी है वो इस तरह की है। आज दीपक मेरे साथ में, दीपक सर है, मैं दिखाना चाहूँगा। दीपक सर कैसे हैं? बढ़िया सर। अभी हम कहाँ पर हैं अभी इस समय? अभी सर हम A10 का CPU का ब्लैक पेस्ट निकालने वाले हैं। दीपक सर मुझे इसमें बताओ कि अगर आप होते तो इसमें कौन सा टूल यूज़ करते CPU निकालने के लिए, मतलब ये पेस्ट निकालने के लिए कौन सा टूल यूज़ करते हैं? सर अभी तक तो हम एंड्रॉयड पे हम इसका यूज करते थे। हाँ। और एक इसका यूज करते थे, इन दो का यूज करते हैं। इन दो का अभी तक तो हम यूज कर रहे हैं, ठीक है। हाँ, क्योंकि ब्लैक पेस्ट निकालना है ऑब्वियस है। बट हम दीपक सर ना हम इसका यूज करने वाले हैं, ना हम इसका, ना हम किसी भी टूल का यूज नहीं करने वाले हैं। अच्छा। हाँ ठीक है। हाँ, तो हम किसी भी टूल का यूज नहीं करेंगे ये पेस्ट निकालने के लिए। और चलो तो ये निकालते कैसे हैं। सबसे पहले थोड़ा सा आप देख सकते हैं जो ऊपर का, क्योंकि मैं इस पर ब्रश चलाऊंगा, जो ऊपर का आपको बॉल दिखाई दे रहा है हल्का सा बड़ा बड़ा बॉल उठा लेते हैं, ताकि ब्रश चलाते समय क्या होता है कि कोई बॉल अगर ड्रायर सोल्ड हो भी गया तो वो ड्रायर सोल्ड तो नहीं होगा क्योंकि हम यहाँ पे कोई हीटिंग नहीं दे रहे, तो इसलिए हम थोड़ा सा हल्का सा बॉल उठा लेते हैं। अगर कोई बॉल आएगा भी तो अच्छी बात है। हालाँकि निकाला ऐसा है कि कोई भी आपको बड़ा बॉल दिखाई नहीं दे रहा है, ठीक। तो देखिए हल्के हल्के से थोड़े थोड़े आपको बॉल उठा लेना है। ऊपर दिखा दो, बस इतना ही करना है, मैं बहुत ज्यादा प्रेशर नहीं करना चाहता। ये आप देख सकते हैं, अब ये ब्रश यूज करूंगा मैं इसमें खाली। ये नॉर्मल है, बहुत हार्ड ब्रश नहीं है। लोग आईफोन में आई ब्रश यूज करते हैं, वो बिल्कुल यूज़ नहीं करना दोस्तों, उससे आपका CPU डैमेज हो जाएगा 99% बता रहा हूँ, ठीक है। अब हल्का सा एक पेस्ट डालेंगे, ठीक है। ये पेस्ट लेके इधर, और थोड़ा सा छोड़ देंगे 2-4 सेकेंड और 1-8 मिनट, और उसको डले रहने देंगे। यहाँ पे दिखाना चाहूँगा, दिखाइए ऊपर। और दोस्तों ऐसा ही नहीं है कि हम स्टूडेंट को ऐसी टेक्निक बताते हैं सेफ मेथड, हम आपको इससे भी बताएंगे। मैं आपको लोग इससे निकालते हैं, लोग इससे, जैसे दीपक सर ने बोला मैं इससे निकालता हूँ, और मैं ये भी यूज़ कर लेता हूँ, और एक और क्या था ये यूज़ कर लेता हूँ। मैं आपको इससे पेस्ट निकालना सिखाऊंगा, इससे ट्विजर से। तो एक वीडियो मैं बनाऊंगा जिससे मैं आपको इससे पेस्ट निकालना सिखाऊंगा, ये भी देखिएगा। ठीक है, हमें ब्रश यूज कर रहा हूँ, यहाँ पे आ जाओ दीपक सर। देखो बेटा, देखो उधर, दिखाइए, देख रहे हैं आप ग्लू, जिसको लोग निकालने में डर रहे हैं यहाँ पर। ठीक है,
अब हमारा इतना ग्लू बचा है, फिर भी हम इसको नहीं निकालेंगे, इस पर भी हल्का सा हम सेम, यहाँ देखिए ठीक दिखा दो वहाँ पर, अब सिर्फ वन ब्रश का बचा हुआ है, थोड़ा सा और दो एक मिनट बस रुकेंगे, तो वीडियो पॉज कर रहे हैं हम, एक मिनट के बाद फिर आते हैं। देखो ऊपर देखिए, थोड़े के लिए भी थोड़ा सा भी उससे निकालेंगे। ये बचा है ना, कहाँ बचा है बता देना हल्का, ये बचा है निकल गया, और कहाँ बचा है, हो गया क्या बात है, दिखा दो। ये देखिए देखिए तक यहाँ से सीपीयू थोड़ा सा ऐसा दिखाओ, वापस दिखाओ एप्पल वाले हमारे स्टीव सर पर, दोनों सीपीयू को जज करो, वीडियो को पॉज करो। ये देखो एक भी ग्लू नहीं है, कोई दिखा दो, देखो इधर इधर देखा, ये दीपक सर ये देखिए, इधर देखिए किसी प्रकार का, इधर आइए, किसी प्रकार का हीटर यूज़ नहीं किया, सीपीयू हीटर या किसी भी प्रकार का कोई हीटर यूज़ नहीं किया, प्री हीटर जिसको बोलते हैं, किसी प्रकार का हमने ब्लेड यूज़ नहीं किया, किसी प्रकार का हमने स्क्रैपर यूज़ नहीं किया, हमने यूज़ किया है एक नॉर्मल ब्रश से थोड़ा सा हार्ड आता है वो ब्रश, और हमने हमारे सीपीयू को ये दिखाइए क्लीन किया है, ये देखिए ऊपर दिखाइए, ये देखिए, और दोस्तों अब ये सीपीयू तो हम इसमें लगा ही लेंगे, ये सीपीयू तो हम इसमें लगा ही लेंगे, हमें किसी को साबित करने की ज़रूरत नहीं है कि हम लगा सकते हैं नहीं, खैर साबित दुनिया अपने आप को करे, हमको ज़रूरत नहीं, आप हमारे पास आएंगे तो हमें दो दिन में आप समझ जाएंगे कि आप इंडिया के किस इंस्टीट्यूट पे आए हैं। दूसरा आपको बता सकते हैं कि हम आपको ऐसी ट्रिकें देंगे कि आप सोच नहीं सकते, और बहुत सारे लोगों को भी नहीं पता, बहुत सारे टीचर्स ये सारी चीज़ों को छुपाते हैं, हाइड करते हैं, अच्छी बात है, छुपाना भी चाहिए सारी ट्रिकें। तो आपने देखा होगा कि आपने बोला सर आपने डाला क्या है इसके अंदर, मेन पॉइंट दीपक सर कैसा लगा आप? सर हमको तो एक नंबर लगा सर। आओ बताओ एक मिनट, हाँ आ जाओ इधर आओ, बताओ दीपक सर। सर ब्लैक पेस्टेड पे व्हाइट पेस्टेड पे काफ़ी दिनों से काम हम कर रहे थे, लेकिन ऐसा जो आपने किया ये आईफोन का, हालांकि एंड्रॉयड का तो इससे नॉर्मल होता है, ये तो काफ़ी हार्ड होता है,
लेकिन ये जो ट्रिक आपने दी है सर वीडियो में या फिर जो आपने लाइव करा है आपने, बहुत जबरदस्त लगा है सर। हमने एक लाइव सीपीयू इसलिए निकाला क्योंकि हो सकता है लोग कह सकते थे कि सीपीयू का ग्लू उन्होंने अलग से चिपका दिया। जी, देखो जी, जी, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, कहने वाले तो कुछ भी कह सकते हैं, पर जो दिखाओ है, सीपीयू है। ये देख, कोई एक बॉल मिस हुआ है क्या इसका? एक भी बॉल मिसिंग नहीं है सर। और ये आप देख सकते हैं, और इसका ये बोर्ड है, ये बोर्ड, ये वाला नहीं, बोर्ड इसी में लगा दिया मैंने, ये देखिए ये बोर्ड है। खैर, और वो पीछे बॉक्स क्या रखा हुआ है थोड़ा बताइए। ये सर हमारा A50, A30, A30S, ये सब हमारा ब्लैक M30, ये डुअल डेकर का बोर्ड है जो हम अपने स्टूडेंट को देंगे डुअल डेकर के क्लास में। ये कब होने वाली है? अभी फिलहाल अभी की डेट में अगर हमारी क्लास ये कल होने वाली है, कल होने वाली, कल डिलीवर करेंगे स्टूडेंट के लिए। और स्टूडेंट को अगर ये लाइव देखना हो तो क्या कैसे देखना है? तो बिल्कुल एशिया टेलीकॉम का फेसबुक चैनल को फॉलो करिए और वेट करिए कल का, हम स्टूडेंट के सामने बिल्कुल लाइव कराएंगे और दिखाएंगे भी सबको कि स्टूडेंट ही कर रहे हैं और हम डिलीवर भी कर रहे हैं, अपनी तरफ से वोट दे रहे हैं। चलो, थैंक यू वेरी मच। इंडिया का नंबर वन इंस्टीट्यूट कौन है?